ये हैं हमारे कपड़े जो लेके जाने हैं। अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं और पहले हम लोग जा रहे हैं इनके फ्रेंड लोग के वहाँ, फिर वहीं से जाएंगे साथ में सब। और हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भैया? रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे ये लोग। अब इसके लिए विनीत को शादी करनी पड़ती है। गाइज़ वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। सो गाइज़, आज का जो व्लॉग है वो मैं अभी दिन से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज शाम को हम लोग को निकलना है एक बहुत ही प्यारी जगह के लिए। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं शाम के लिए कर रही थी पैकिंग। ज़्यादा पैकिंग तो मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग एक दिन के लिए जा रहे हैं तो एक एक जोड़ी कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और बाकी जो और सामान होता है। तो हम लोग अकेले भी नहीं जा रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स लोग जा रहे हैं साथ में। तो हम लोग शाम को 6 बजे तक निकलेंगे, और अभी फ़िलहाल मैं बैग पैकिंग ही कर रही थी। सो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ। अभी मैंने वैसे सिलेक्ट नहीं किया है। सो गाइज़, ये हैं हमारे कपड़े जो लेके जाने हैं। ज़्यादा नहीं है, एक एक जोड़ी कपड़े हैं और जैकेट है, क्योंकि शाम को यहाँ ठंडा हो जा रहा है तो इसीलिए जैकेट रखी हैं, और एक टॉवल रखा है। और बाकी ये है मेरे पतिदेव की धोती। धोती देख के आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे होंगे। बाकी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी रेडी होके कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो कपड़े तो मैंने रख लिए हैं, अब मैं बाकी सामान भी रख लेती हूँ, क्योंकि शाम को ऐसा होता है जल्दीबाजी होती है तो कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो इसलिए मैं अभी से बैग पैक करके रख देती हूँ। तो फिलहाल मैं अपना बैग लेके जा रही हूँ, ये वाला, और जो थोड़ा बहुत सामान है मेरा कॉस्मेटिक का, उसमें जो मेन चीज़ है वो ही लेके जाऊंगी मैं। ज़्यादा कुछ मैं लेके नहीं जाने वाली, तो यही मेन चीज़ें हैं जो जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, बाकी चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है। सो अब मैं इन सबको पैक करती हूँ फटाफट से। सो अभी मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ, तो अभी मैं फटाफट से बैग पैक कर देती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ शाम को रेडी होके, और तभी बताऊँगी मैं आपको कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। सो गाइज़, अभी बजे हैं शाम के 5 एंड मैं रेडी हो चुकी हूँ, और 6 बजे की है हमारी बस। तो हम लोग अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं तिरुपति बालाजी दर्शन करने के लिए। बहुत टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे, लेकिन वहाँ जाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है, तो हमें किसी भी मंथ का स्लॉट खाली नहीं मिल रहा था। सो इस बार हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ऐसे ही चले जाएँगे, और हम लोग अकेले नहीं जा रहे, हमारे फ्रेंड्स लोग भी जा रहे हैं साथ में। तो तिरुपति बालाजी में एंट्री के 2 तरीके होते हैं, एक होती है स्पेशल एंट्री और एक होती है नॉर्मल एंट्री। स्पेशल एंट्री के लिए आपको 300 रुपीज़ का टिकट ऑनलाइन बुक करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको एक डे और टाइम अलॉट कर देते हैं, तो आपको उस टाइम पे दर्शन हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करी है तो आपको वहीं जाके फ्री टिकट पासिस वाली लाइन में लगना पड़ता है, और वहाँ पर ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपको कितनी भी देर हो सकती है। वहाँ जितनी भीड़ होगी उसके अकॉर्डिंग जब आपका नंबर आता है उस हिसाब से वहाँ पे दर्शन होते हैं। तो हम लोग बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, लेकिन हमारी टिकट नहीं हो पाई। तो हम लोग बस भगवान का नाम लेके इस बार ऐसे ही जा रहे हैं। वी होप कि दर्शन अच्छे से हो जाएं, अब वो तो वहीं जाके पता चलेगा कि कितनी भीड़ है और कब नंबर आता है। तो जैसा भी होगा वो वहीं जाके देखेंगे, अभी पहले निकलते हैं फटाफट से। सो गाइज, अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं, और पहले हम लोग जा रहे हैं इनके फ्रेंड लोग के वहाँ, फिर वहीं से जाएंगे साथ में सब बस में। सो हम लोग इनके फ्रेंड्स के अपार्टमेंट के पास पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे इतनी सुंदर माता रानी का पंडाल लगा हुआ है। अभी सभी लोग यहाँ यहीं आने वाले हैं, फिर हम सब लोग साथ में जाएंगे। चले चलो, आइए आइए। सो गाइस, अभी हम लोग बस का वेट कर रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भैया? तिरुपति तिरुमला, जय श्री वेंकटेश्वरा। आ गई क्या? नहीं, ये है क्या? हमने इधर जाना है। अच्छा, चलो भैया, चलो यार। पूरी खा
खाली थी वो बस यार, हमारे उसमें नहीं था, हमारी नसीब। अब देखो उसको पूरी खाली है जो उधर से आ रही है। सब अलग अलग जो कि फिर मैं यहीं पर बैठाती हूँ। गाइस अभी हम लोग बेंगलोर पहुँच चुके हैं और यहाँ से अभी 9:30 बजे की हमारी बस है तिरुपति की, तो हम उसी का वेट कर रहे हैं। अभी हम लोग चाह रहे हैं चाय पीने, थोड़ा चाय पीते हैं क्योंकि अभी तो 9 बज रहे हैं, अभी बस 9:30 बजे की है, तब तक हम लोग थोड़ा यहीं पर टाइम पास करते हैं। जल्दी जल्दी आओ। यार तुम डिस्पोजल गिलास लाए थे ना, लाए हैं मैंने देखा भी बैग में भर भर के लाए हैं डिस्पोजल वाले गिलास। नहीं बचता है यार वो बैग का, मैं पूरी नहीं खा रही हूँ ना, वो बैग कहाँ गया, वो इसमें है भैया आपके नीचे बैग में है डिस्पोजल गिलास। ये रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे ये लोग। अरे यार ये इसमें ही दे दो, नहीं तो एक ये इसमें आलू रायता दे दो। आलू चने रायता सब मिक्स कर दो। अब इसके लिए विनीत को शादी करनी पड़ती है। ना ना हम शादी के लिए हम रूममेट रहते हैं। लो हमने रूममेट रूल बना के दे दिया। बोल अब फोन बंद कर दो, खा ले। चने नहीं डाले इसमें, ये देखो भाई चने चने तेल अभी हरा धनिया भी डाल दो। रुक बस कुछ कह रहे तेल तेल ही तेल आ जाए। चने दो यार थोड़ी सी। यार यहाँ पे एक और लगाना चाहिए था इन्होंने, आधे लोग खड़े खड़े खा रहे खाने के लिए तो। मैं खा लेती हूँ पहले, इन लोगों का तो चलता रहेगा, ये मैं यहाँ बैठ के खा लेती हूँ। ये कहां उठाई तूने, ये टुकड़ा मुझे ना ये रहेंगे थक गया चले चलो बस के लिए। बस यहाँ थोड़ी आएगी भैया, भैया सोच रहे मैं यही आसन जमा के बैठू और बस यही आएगी लेने। तो गाइस हम लोग बस में बैठ चुके हैं, तो अभी टाइम हुआ है 11 बज चुके हैं, हम लोग सुबह 3 बजे तक तिरुपति पहुंच जाएंगे, तो अभी नींद आ रही है तो थोड़ा सो जाते हैं और मैं आप लोगों से मिलती हूँ पहुंच के।